अयोध्या रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण को लेकर बुधवार को रेलवे निर्माण एजेंसी व जिलाधिकारी अयोध्या तो आसपास के क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस विस्तारीकरण को लेकर पूरी जानकारी मांगी। इस दौरान जिलाधिकारी से गुहार लगाई गई, विस्तारीकरण में उनका मकान न तोड़ा जाए। वहीं जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों को बताया कि यहां अभी सिर्फ सर्वे होने की बात आई है, विस्तारीकरण के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन की कार्यवाही संस्था राइट्स लिमिटेड के इंजीनियर रंजीत वर्मा के मुताबिक नई योजना के तहत स्टेशन को बड़े क्षेत्रफल में बनाए जाने की योजना है। इसके लिए पूरे 2 लाख वर्ग मीटर की भूमि की जरूरत है। स्टेशन के दक्षिण तरफ 1.25 लाख वर्ग मीटर तथा उत्तर की तरफ 50,000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित किया गया। अभी काफी बड़े क्षेत्र में राम मंदिर मॉडल के तर्ज पर रेलवे स्टेशन को बनाए जाने की योजना है, जिसको लेकर भूमि को चिन्हितकरण किया गया है। जल्द ही इसका प्रस्ताव भी दिया जाएगा। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना किसी जानकारी के इस तरह से सभी के घरों को नापा जाना गलत है। किसी भी हाल में हम अपना घर नहीं तोड़ने देंगे। तो सर जो भी है वो ठीक ही है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा डर का तब माहौल बन गया जब ये पीयूष गोयल साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, जिसे ये कहा जा रहा है कि जनता को किसी तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों का जो भी व्यापार और भी जो जन लोगों का हानि हो रहा है, उसे इनको ये लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्शन है। हम लोगों को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, हम ये नहीं चाहते कि हमारी इस तरह से भूमि को ली जाए, हमारे रोजगार को लिया जाए। हमारी 4-5 पीढ़ियों से हम यहाँ रहते आए, हम लोगों का ख्याल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। और इसको ख्याल में रखते हुए हम लोगों यहाँ बसाने का काम कीजिए, उजाड़ने का नहीं। हम विनाश के लिए नहीं आपके साथ में, हम विकास के लिए आपके साथ में आए। इसको देखते हुए मोदी सरकार और माननीय पीयूष गोयल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें यहाँ पे बसाने का कार्य किया जाए, हमको यहाँ उजाड़ने का काम मत कीजिए। आप ये जो बयान दे रहे हैं कि इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन, हम लोगों को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। हम लोगों की रोजी रोटी, हम लोग इधर जो है रेलवे स्टेशन के उस पार तक जो है पब्लिक में दहशत का माहौल है। यहाँ व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। और ये माहौल कैसे पैदा हुआ? ये माहौल पैदा हुआ यहाँ जो है, जो सर्वे चल रहा है प्रशासन के माध्यम से, अलग अलग प्रोजेक्ट बन रहा है, सर्वे जा रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, व्यापारियों के घर जा रहे हैं, इसमें सभी जो है धर्म संप्रदाय के लोग हैं। और वहाँ ये माहौल फैलाया जा रहा है कि भाई अब ये आपकी जमीन गई, अब ये मकान आपका गया, अब ये आपका दुकान गया। तो इसी संबंध में हमारी जो है लगभग जो है 400-500 लोगों की भीड़ आज जो है जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो है यहाँ रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के समय मौजूद थी। हमने जिलाधिकारी महोदय से 2-3 मुद्दे पर उनके वार्ता की। पहली तो ये कि यहाँ विस्थापन की स्थिति में व्यापारियों का, लोगों का कितना आप ख्याल रखेंगे। दूसरी ये कि ये जो आप सर्वे जो आप करवा रहे हैं, यह जो है किस हद तक सही है। और तीसरी ये कि ये इस तरीके से जो प्रशासन द्वारा जो दहशत फैलाया गया है, जो असंख्याय फैलाई गई है। अब मामला यह है कि जो रेलवे के विस्तारीकरण के नाम पे, राम जन्मभूमि से इसकी जो कनेक्टिविटी के नाम पे यहाँ के लोगों को जो है ये हटाना चाह रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो है एरिया को जो है नए सिरे से घर वगैरह सब गिरा के विकसित करना चाह रहे हैं। यही मामला है। और हमने जिलाधिकारी महोदय को अपना विरोध दर्ज करा दिया है। हमने जो है उनसे हर बिंदु पे खुल के जो है बात की है। उनके द्वारा ये सभी उपस्थित जितने भी हमारी सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, उनको ये आश्वस्त किया गया है कि आप सभी पब्लिक के संज्ञान में जो भी शासन